अंदर से ना गाना गाने का मन कर रहा है, हाल क्या है जनाब का। ये बैंडेज बैंडेज हो गया पूरा, ये सारा बैंडेज सट गया पैर में, अब इसे आराम से खुलना होगा। ये खुलना बचा ही है और इसी में टाका भी लगा है, तो ये और डेंजर ही है खुलने में। चोट लगा था, ये पूरा फट चुका है, उंगली दो दो उंगली, दो दो तीन तीन जगह, दो जगह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, सुप्रभात। आज है डे थर्ड रिकवरी का, पैर का, और छोटी मोटी चीज़ें तो लगभग चोट जो थी सही हो गया, दो ही जगह ज़्यादा दिक्कत है कि ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, और दूसरा वो अब आज सोच रहा हूँ कि बैंडेज खोल दूँ और देखूँ कितना जख्म है और कितना जख्म रह गया। लेकिन एक बात बताऊँ, हुआ बहुत कम है, क्योंकि ये देखो, दिखा दो, ये जो हुआ है ना यहाँ पे, ये ज़्यादा यहाँ से फट गया था। ये फटने की वजह से ना यहाँ की जो हड्डी होती है ये बाहर आने का चांस है। अगर ये थोड़ा सा इधर फट जाता ना यहाँ पे, तो ये नी वाला हड्डी, एंकल वाला हड्डी बाहर आ सकता था, और ये फट चुका था। और डॉक्टर को पूरा संदेह था, पूरा उसको शक था ना कि हो चुका है वो चीज़, और मुझे भी डर था। लेकिन फिर मैंने एक्सरे करवाया, तो एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला, तो दिल को जाके ठंडा मिला। देखते हैं, और हालत यह है कि बाइक टूट गया, तो मेरा बाइक भी दिया हुआ है। अब उससे इंश्योरेंस था तो क्लेम में भी डालना है, और देखना है कि क्लेम वाला क्लेम करता है, लेता है क्लेम में या नहीं। दो दिन तीन दिन हो गए और मेरा बाइक अभी तक सर्विस सेंटर में ही पड़ा हुआ, और बाइक ना होने की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन देखते हैं इस बैंडेज को खोल के क्या है कंडीशन। मिलते हैं फिर आए ब्लॉग में, बाय बाय। ये चला बर्फ से का ब्लड जो जमा हुआ है उसे खोलने के लिए। सुबह सुबह एक कप गर्म चाय के साथ, बस जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। आज ये पट्टी भी खोल के देखूंगा कि हालत क्या है, तो ऑपरेशन करने चलते हैं पट्टी का, और देखते हैं क्या है हाल। अंदर से ना गाना गाने का मन कर रहा है, हाल क्या है जनाब का। मेरा जवाब यही होगा, बहुत ही बुरा। डर ही लग रहा है मुझे खुलने में, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ था, इस वजह से थोड़ी बहुत बैंडेज सट गई है ब्लड के होने की वजह से भी। ये बैंडेज हो गया पूरा, ये सारा बैंडेज सट गया पैर में, अब इसे आराम से खुलना होगा। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, ये सारा सब चुका। उफ, अब ये खुलना बचा ही है और इसी में टाका भी लगा है, तो ये और डेंजर ही है खुलने में, इसमें तो और सटा हुआ होगा। खैर देखते हैं क्या है। ये दिख रहा है टाका, वही टाका लगा है, और यहाँ से भी बैंडेज को खोलना भी है। खुद से खुद को दर्द ले रहे हैं, देखो ये सट चुका है पूरा उंगली में ही। ओ माय गॉड, कितना चोट लगा था, ये पूरा फट चुका है उंगली, दो दो उंगली, दो दो तीन तीन जगह, दो जगह सामने से, एक बीच में से, एक ये साइड से पूरा उंगली ही फटा हुआ है। ज़्यादा फटा हुआ था, एक उंगली तो लगभग गोल हो के पूरा फट ही चुका है। खैर बैंडेज खोल दिया मैंने और क्रैक बैंडेज बांध लिया हूँ, कि टाका के पास में दर्द कर रहा था, तो ये थोड़ा सा रेस्ट देगा रेस्ट के लिए। और
खुला रहेगा तो जल्दी जख्म सूखेगा भी, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से 70-80% रिकवर हो चुका हूँ। और टाका कटेगा तो बस वही एक लौता टेंशन है और जो दर्द करने वाला भी है, बाकी रिकवर हो ही चुका हूँ। तो मिलते हैं फिर आगे, बाय बाय। इस मौसम का पहला बरसात, नीचे का रख ले थी। अरे बाप अरे बाप अरे बाप, इतना तेज। अरे तेरी अरे तेरी, ये पूरा उड़ने से आ रहा है पूरा। अरे तेरी इतना तेज, इतना तेज। एक हम तो झड़ गया होगा। एक बम्बा से घमन कर ले। बाप रे बाप, कितना तेज हवा चल। जा 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 जल्दी, तेज हवा हुआ जा। अरे बाप अरे बाप, ककर खिड़की दरवाजा पटक आ रहा है उकर का। हाँ हाँ जल्दी क्लियर करो, जा देख रहे हैं उधर से हवा पूरा मार रहा है बादल। मैं चप्पल लेने टेंट से आ गया था कि थोड़ी बड़ी चप्पल, बड़ा साइज का चप्पल ले ले जो पहन के चलने में आसानी हो, पर वैसा कुछ मिला नहीं। कोई वैसा ग्रिप बन ही नहीं रहा था कि ऐसा था कि कहीं पहन के एरी पे चलना था, कहीं गिरी ना जाऊँ। तो मैंने फिर लास्ट में लिया ही नहीं, कोई पसंद आया ही नहीं। सब नॉर्मल टाइप्स चप्पल थे तो ऐसे ही चलना पड़ रहा मुझे। देख रहे हो, देख रहे हो इस तरीके से मम्मी वाला पैर बन के घूम रहा है। और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ अब। बाय बाय टाटा। रिलायंस ट्रेन खाली था तो हम लोग चल आया फूड जंक्शन, भूख लगा था खाना खाने। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है जीरा राइस, तंदूरी रोटी और चिकन देहाती। बाहर का चिकन वाला ना थोड़ा स्पाइसी ज़रूर होता है, स्वादिष्ट भी बहुत होता है, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ये अब जीरा राइस हमारा आ चुका है तो खा पी के निकलेंगे। और ये हमारा आया है बिल, तो बिल में जीरा राइस एक, चिकन देहाती एक, तंदूरी रोटी दो, और सबका टोटल आया 440 रुपया। और ये हम लोग चले घर। फाइनली पैर, एक पैर डैमेज करवा के भी घूमना मेरा नहीं ख़त्म हो रहा, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, अगर कभी ऐसा चीज़ हो तो फालतू में घूमें तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी तरह बहुत गंदा आदत है। रेस्ट अगर आपको बोले डॉक्टर तो बिल्कुल रेस्ट करें। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अगले ब्लॉग में कल, देखते हैं रिकवरी कैसा होता है कल का।